हाय फ्रेंड्स, आई एम सिद्दीकी मोइन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक डीपी वायरिंग। आप ये जो डीपी देख रहे हैं, ये सिंगल फेज डीपी है। इसमें आपको मैं इनपुट और आउटपुट के बारे में बताऊंगा। आप ये देख रहे हैं, ये सिंगल फेज ऊपर आ रहा है, इस साइड पे इस इनपुट पे न्यूट्रल आएगा, और यहाँ पे जो मीटर से नीचे इनपुट आता है वो यहाँ पे आएगा और न्यूट्रल यहाँ पे आएगा। यहाँ से ये लिंकिंग हुई है, एमसीबी में लिंकिंग दी गई है। आप देख सकते हैं लिंकिंग सारे एमसीबी में हुआ है। ऊपर जो ये ऑफ वायर आपको दिख रहे हैं, ऊपर सर्किट वायर ऊपर के इनपुट में आएंगे, उसके बाद इनपुट आउटपुट में। जब अपने एमसीबी ऑन करेंगे तो नीचे से पावर ऊपर पहुंचेगा तो सर्किट में जाएगा, फिर जब आप स्विच ऑन करेंगे ना तो स्विच में ऑटोमेटिकली पावर बताएगा जब आप इसका ऑन करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंगल फेज डीपी ईएलसी भी है। अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिप हो जाएगी। और कभी ट्रिप होने के बाद आप इसको रिस्टार्ट करके आप चालू करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी शॉर्ट सर्किट फोल्ड क्लियर करने के बाद। और यहाँ पे आप इनपुट देंगे ऊपर से, यहाँ से जो आएगा उसके बाद क्लियर होगा, यहाँ से पावर आपको आगे जाएगा। सारी एमसीबी आप ऊपर करेंगे तो सारी सर्किटों में पावर पहुँच जाएगा, पर आप यहाँ से ही ऑन नहीं करते हो, जब यहाँ से आगे पावर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये आगे पावर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ से पावर आगे नहीं आएगा तो सर्किट में नहीं पहुँचेगा, तो इसे भी ऑन करना पड़ेगा। सारी एमसीबी ऑन हो जाने के बाद में आपको वहाँ स्विच बोर्ड में पावर मिल जाएगा। पावर मिलने के बाद में आपको सारी इनपुट और आउटपुट का पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये लिंकिंग आप जो देख रहे हैं, ये लिंकिंग हमने ऊपर से इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे जो है इस जगह पे मीटर के इनपुट आएंगे और इस जगह पे आउटपुट निकलेगा, तो पूरे घर में यहाँ से ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है सिंगल फेज का, और पूरे घर का कंट्रोलिंग यहीं से होगा। और कभी इमरजेंसी में कोई फोल्ड होता है तो ये ऐसे कोई एक सर्किट में होता है तो ये सर्किट और ईएलसीबी दोनों ट्रिप होगी साथ में, ईएलसीबी के साथ एक सर्किट ट्रिप होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस सर्किट में फोल्ड है। थैंक यू फ्रेंड्स।